करेरा पुलिस ने 10 पेटी देशी प्लेन शराब सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। करेरा ब्यूरो पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अति पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन में रात को थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम मुंगावली रोड किनारे पुलिया के पास बने टपरे के पीछे अवैध रूप से शराब का जखीरा रखकर बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का एक व्यक्ति जो अपने पास कागज के कार्टून रखे हुए था, जैसे ही पुलिस पास पहुंची तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा गया। उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम रोहित लोधी, पिता माखनलाल लोधी, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम मुंगावली होना बताया। उसके कब्जे से 10 पेटी, प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर देसी प्लान शराब जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये को विधिवत जब्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34 तो अबकारी एक्ट का मामला पंजीकृत किया गया है। इनकी रही भूमिका। थाना प्रभारी करेरा सुरेश शर्मा, ऊनी के पी शर्मा, सौनी ब्रजराज सिंह यादव, प्रधान आरक्षक दुर्गा चरण शर्मा, मदन मोहन, आरक्षक दीपेंद्र गुर्जर, आलोक जैन, देवेश तोमर, हरेंद्र गुर्जर, विकास भारद्वाज। रिपोर्ट संजय गुप्ता, बिलया, करेरा। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुगावली का रोहित लोधी अपने टपरिया में रोड के किनारे अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर से दबिश गई तो आरोपी की टपरिया से 10 पेटी प्लेन देसी शराब प्राप्त हुई है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी से शराब कहाँ से खरीदी है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।